पूरी जिम्मेवारी के साथ मैं बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड और दस्तावेज के आधार पर 38-2009 को जी बाढ़ न्यायालय ने कंप्लेन केस में 41(2009) में कॉग्निजेंस लिया 2009 में, और मैं नहीं कह रहा हूँ, नीतीश कुमार जी MLC का जो इलेक्शन कमीशन में जो डिक्लेरेशन दिए लाओ जी है वहाँ जो डिक्लेरेशन दिए हैं उसमें भी इन्होंने स्वीकार किया। फिर आप मुख्यमंत्री कैसे बैठे थे, कौन सा जीरो टॉलरेंस, कौन सी ईमानदारी भाई? ईमानदारी भ्रष्टाचार से बड़ा है अत्याचार। भ्रष्टाचार का तथा कथित आरोप से बड़ा है अत्याचार और एक नागरिक एक वोटर की हत्या। अव्वल मुद्दा ले नीतीश कुमार हैं, क्या है कहा है? हाँ शपथ पूर्व ये शपथ पर बोले हैं, ये शपथ पर बोले हैं आईपीसी की धारा, बाद में मैं आप लोगों को दे दूंगा क्योंकि हम हड़बड़ी में हैं। 307 आईपीसी की धारा में 302 उन पर चल रहा है। इलेक्शन कमीशन में जो डिक्लेयर किए वो एफिडेविट में उन्होंने कुछ कहा, एफिडेविट में उन्होंने कहा है कि 302 और 307 हमारे ऊपर मुकदमा चल रहा है, ये एडमिटेड है। जीरो टॉलरेंस वाले मुख्यमंत्री मेरे छोटे भाई का ये है, और हाई कोर्ट में लोग आए थे, क्लियर हो जाएगा। सीमा अली माननीय जज थी, डेथ कर गए तो वहां उन्होंने पंडारक थाना के जूनियर जो नीचे के जज है रंजन जी, जिन्होंने सब इशू किया था प्रोसेस रिकॉर्ड समुचा गवाही वगैरह लेकर के सब पब्लिक कंप्लेन से लेकर सब मुद्दे भाई लेकर, तो उन्होंने बड़ी एरी चोटी करके ये नीतीश कुमार प्रोसीडिंग को स्टे करवा दिए नीचे। आप लोग ढूंढते हो बहुत टीवी वाले हो, ये कागजात देखो, प्रोसीडिंग स्टे हो गया और उस जज को प्रताड़ित किया गया और उससे बराबर सो कौजी भाई क्या तुम आगे चला रहा। यह केस पटना हाई कोर्ट में जीवित है, तारीख पड़ता है, चेकअप नहीं होता है, ऑनरेबल जस्टिस त्रिपाठी जी के कोर्ट में यह है। तो नीतीश को ये मालूम हो गया था कि अब हम बचने वाले नहीं हैं, इन्होंने अपना इस्तीफा का, क्योंकि तुरंत ये बात तेजस्वी को अगर कहते इस्तीफा का तो ये सवाल उठता और देश भर में बात जाता। ये मिले हुए हैं भाजपा से RSS से, क्या सेटिंग है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहीं से तुरंत ट्वीट कर दिए, नीतीश कुमार को बधाई दे दिए, और अभी नीतीश से कोई पत्रकार मनीष पूछा वहां राजभवन के बाहर कि बीजेपी से समर्थन आप लीजिएगा सरकार पुनः बनाने के लिए, तो नीतीश कुमार जी ने ना नहीं कहा, माने वो कार्ड खोल दिए, खुद खोल दिए, उनका बयान पढ़िया।
कि राज्य के हित में जो जरूरी होगा उसको हम देखेंगे, ये देखे हुए हैं। सेठ है सब बात वो देखेंगे, तो हमारा ज्यादा उनको छेड़छाड़ करना नहीं चाहते हैं। आपने इस्तीफा दे दिया, हमको बहुत दुख हुआ। जाने के पहले आपने हमको प्रणाम किया, कहा कि आपका आशीर्वाद बहुत रहा है। हमने मना किया, आज भी फिर मना किया, ये काम मत करो, 5 साल के लिए जनता ने भेजा है गठबंधन के लिए, सांप्रदायिक ताकत हम लोग को समाप्त करना चाहता है, ये क्यों कर रहे हो? बोलेगी हमसे अब नहीं चलेगा, तो नहीं चलेगा तो अभी 20 महीना हुआ, 1/3 बाकी है, 2/3 सरकार चलाने के लिए। नीतीश कुमार से मेरा ये अपील है कि आपके मन में सांप्रदायिक ताकतों के का आशीर्वाद अगर नहीं है तो आप इस्तीफा कर दिए, स्वतंत्र सब मंत्री खत्म हो गया, बाजार ओवर हो गया, तो अब जो है सो आप चलाने के लायक नहीं रहे। आपका अपना रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, अपना कुर्ता और साफ करना चाहते हैं, तो सब आरजेडी के एमएलए और समूचे जेडीयू के एमएलए और कांग्रेस के एमएलए बैठ करके नया नेता चुन के नई सरकार आप बनाइए। लेकिन हमको संदेह है, चूंकि आपका सौदा हो चुका है, बिहार की जनता से मैं को आगाह करना चाहता हूं कि आपके इच्छाओं को बराबर ही इन्होंने दरकिनारा किया। बीजेपी को हरा के आए थे इन्होंने, बीजेपी को वोट दिया राष्ट्रपति में, नोटबंदी में किया, फिर भी हम लोगों ने जस्टिफाइड किया। तो ये पूरा हम मांग करते हैं, हम राष्ट्रपति शासन में राज को ढकेलना नहीं चाहते हैं, आप राष्ट्रपति शासन में ढकेलना चाहते हैं, और नहीं तो आप बीजेपी से आपका साठ गांठ है, आप सरकार बनाना चाहते हैं। कल बैठाइए सब, कल नहीं परसों तरसों बैठाइए सब एमएलए को, जेडीयू के एमएलए और आरजेडी के एमएलए, कांग्रेस का ना प्रिय नगा न भी मुख्यमंत्री उम्मीदवार बने, वो चुना जाए, हम लोग बैठ के चुने, लार्जेस्ट पार्टी हमारी है, अब हमारा क्लेम बनता है। लेकिन बैठिए और बिहार की जनता का जो मैंडेट है 5 साल का उसको पूरा करिए, लागू करिए। इन लोगों को गोद में नहीं खेलिए, मैं आप खेल रहे हैं गोद में, और उससे सफाई देना है तो आप जो हमारा प्रस्ताव है उसको करिए, सरकार को चलाइए, नया नेता मुख्यमंत्री चुन के असत्य दल से, ऐसा झूठ है तो आप बताइए। चूंकि इसमें आजीवन कारावास का सजा का प्रावधान है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट माने तीन देश जेले में मर जाना है, आधा ही तो फांसी। इसलिए इनको बहुत बड़ी घबराहट हुई कि ये बात निकल गया, अब मामला यहाँ फाइनल रजिस्ट्री में सुनवाई में अभी ट्रायल नहीं हो रहा है यहाँ, तो किस बात का भाई? जब आरोप आप पर लग गया तेजस्वी पर FIR कर दिया बिना मोछ वाला लड़का को, कहीं से लेना देना नहीं, साफ तो भाई एकदम मैच्योर्ड आदमी है, क्लीन आपका रिकॉर्ड है, टीम से दो के आप मुदाले हैं, तीन से दो के मुदाले हैं, ये है मेन कारण। जल्दी से
तोको ना मोको चूल्हा में झोंको कि अभी मामला न उठे इस्तीफा वाला, ऐसा आज हुआ है। बिहार की जनता हमारा रैली, हमारा संघर्ष, भारत को तोड़ने पर आमदा है भाजपा। बिहार की जनता सब देख रही है और बिहार की जनता जो रैली होगा, भाजपा हटाओ भगाओ और देश को बचाओ, उसमें अब हम लोग का भी देह हल्का हो गया। अब पूरा लग करके हम इसका मुकाबला करेंगे। और कोई पूछना है बात आप लोग पूछना। सरकार बनाने के लिए क्लेम करेंगे, सरकार बनाने का। अरे बात सुनो, अभी तो आज इतना ही रहा, फिर बैठेंगे। अब बात सुनो ना, हम फिर बैठेंगे। हड़बड़ दड़बड़ दही चूरा नहीं है कि शान के लपेट के जल्दी जल्दी सबका। अभी भी उम्मीद है नीतीश कुमार के साथ आपकी बात बन सकती है? ना ना, नीतीश कुमार को तो हम बोल रहे हैं, बताओ नीतीश कुमार ये बतावे कि कोई हडिल इनको दिया हो आज तक? जब भी कंफ्यूजन होता था इनको तिलक लगाते थे, जाओ राज करो। राज ऐसा न किया कि बिहार के जनता को थप्पड़ मार दिया, गरीबों को, दंगाई बलवाई पार्टी, वो जो लाट टपक रहा था सुशील मोदी वोदी सबका, वो सब आमदा है सरकार बनाने के लिए। इसमें कहीं कंफ्यूजन है आपका? कांग्रेस आपके साथ रहे, एक आपके ऊपर आरोप है कि आपने पुत्र मोह में इस महागठबंधन को तिलांजलि दी। इसमें पुत्र मोह का कहां सवाल आता है? देखो ये सिद्धांत और असूल का, ये पुत्र मोह का सवाल कहां आता है? पुत्र मोह क्या है? ड्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाया मैंडेट के बाद राष्ट्रीय जनता दल ने, और मंत्री हमारे बने, बिहार की जनता का मैंडेट लेकर बना, और तेजस्वी का एक्सेप्टेंस पूरे देश में हो गया। तो इस लड़का से, लालू से तो डरता ही था, इस लड़का से भी डर गया सब। ये टारगेट किया तेजस्वी को, ये सब अजूला फजूला सवाल है। इसको बैठो, बैठ के बनाओ। मन अमन साफ है, आपसे नहीं चलता है तो आप किनारे हट गए, नया नेता चुना जाए। इसने ये भी कहा कि अगर तेजस्वी इस्तीफा दे देते तो उनका पद और ऊंचा हो जाता। मतलब नीतीश हमसे तो इस्तीफा मांगा नहीं था, आज भले बोल रहे होंगे वहाँ, हमने सुबह भी कहा था ना, वो भी बोला ना कि हम इस्तीफा नहीं मांगे थे, बोला ना कि बोले थे कि पब्लिक में आप लोग भी जो आरोप है, तो आरोप का तो कोई कॉपी नहीं हम लोग के पास। हम प्रॉपर अथॉरिटी को ना देंगे, सीबीआई को देंगे, मांगेगा हमसे बुलाएगा तो वहाँ ना हम देंगे। ये बाजार में इसको हम देख के, मतलब जो भी जाली केस है उसको मरम्मत कर दे वो। अच्छा ये लोग कौन होते हैं, इनके यहाँ हुआ क्या? बिहार के पथ निर्माण में, भवन निर्माण में घपेला किया है कोई? क्या ड्यूटी चीफ मिनिस्टर सब आप यहाँ भी सारा एसेट प्रॉपर्टी का सब कागज है, और आप ये जो कागज दिए हुए हैं अपना मर्डर केस वाला, कैसे बैठे हुए हो भाई इतने दिन से, कैसे बैठे हो? ये है मेन कारण। इसमें मोदी भी मिला हुआ है, सरकार में 9 साल थे, सरकार में 9 साल था मोदी भी। आई केस पहले ही से है, सब मालूम है सबको, इस्तीफा नहीं किया, सब केस है। पूरे खेल में कांग्रेस आपके साथ है? कांग्रेस बीजेपी में जाएगा, इतना विज्ञान नहीं है। पहले अरे सब पहले से मालूम हो गया है आपको, यह क्या बोल रहा सर? ये महागठबंधन अब खत्म हो चुका है या आपको अभी भी उम्मीद है कि महागठबंधन हम लोग नहीं ना खत्म किया है?
महागठबंधन हमारा है, मुख्यमंत्री ने इस्तीफा करके चले गए हैं। हम महागठबंधन का विधायक दल का सब तीनों दल का मीटिंग करके नया नेता चुन के बनाया जाए। बहुत तो आप उसके लिए पहल करेंगे तो नहीं बन पाएगा। सर मीटिंग बुलाएगा बोलो ना, तो पहले ही करना है। हम एमएलए लोगों को सबको भेज दो कि मध्यवर्ती चुनाव में चले जाओ। नहीं नहीं, आप बड़े दल है तो आप पहल करेंगे। वो तो नेता है नहीं, तो उन्होंने पद भी त्याग दिया। के साथ सर आपका पहले से प्री पोल अलायंस है, तो आपको नहीं लगता कि स्पीकर को पहले आपको बुलाना चाहिए सरकार बनाने के लिए? अभी सब बैठेंगे हम लोग, आते हैं अभी, हमारा 9 बज गया, रांची जाना है, आते हैं तो फिर बैठेगा ना, आगे आगे फायदा देखते जाइए। हम सही जगह पर हैं कि वो सही जगह पर हैं? कितना फ्रॉम से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तुरंत ट्वीट करके आज इस एक्शन को नीतीश के एक्शन पर बधाई दिए। तब इतना कंफ्यूजन है आप लोगों को, हम नहीं ना ढकेल के भेज दिया उनको, वो अपने जाएंगे तो जाए भाई, पहले से थे ही, डाइवोर्स हुआ था, इधर आए थे। अब फिर अभी तो बड़े भाई हैं, बड़े भाई तो हम क्या अपराध किया है? हमने तो कोई नीतीश को दुख नहीं दिया। आपने उनके हर निर्णय का विरोध किया, नोटबंदी, सर्जिकल स्ट्राइक, राष्ट्रपति। अरे नीतीश के विरोध किया? हाँ, वो कह रहा है कि महागठबंधन भारत सरकार का लालू जी के लिए जो मंदिर तोड़ने की बात होती है, आपको लग रहा है कि ये